मैं चली जाती हूँ। ओके ओके बाय बाबू। फिर अकेले रहोगे ना? नहीं, फिर मम्मा को जल्दी से प्यार करो। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग ऑफ इंडियन यूट्यूबर सलमा चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड अभी हम दोनों का चल रहा है थोड़ी बहुत मस्ती, जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हो। एंड अभी शाम के बज रहे हैं 8:30, ये 8:30 बज रहे हैं। एंड खाने की तैयारी अभी तक कुछ भी नहीं हुई है, जो कुछ भी होगी आप लोगों के साथ शेयर मैं ज़रूर करूँगी। तो ब्लॉग को कंटिन्यू देखते रहिए। तो ब्लॉग को कंटिन्यू देखने से पहले थोड़ा हम दोनों का मस्ती देख लो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग मैं कल के ब्लॉग के साथ ही कंटिन्यू कर रही हूँ। एंड ये मैं अपने घर के बाहर बैठी हुई हूँ। सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी, इसलिए मैं कल ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो सोचा कल ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं, आज मैं अपना ब्लॉग को कंटिन्यू कर लेती हूँ, ताकि मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहूँ। कुछ भी हो मेरे लाइफ में, फिर भी मैं आप लोगों के साथ मेरा डेली अपडेट शेयर करती रहूं। क्या हुआ है मुझे, नहीं हुआ है, सब जानना आप लोगों को ज़रूरी है। मैं कोशिश करती हूं कि मैंने जो काम ठाना है करने की, आप लोगों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने की, वो मैं करके ही रहूंगी। कुछ भी हो मेरे बॉडी में या लाइफ में, मैं कंटिन्यू रहने की पूरी कोशिश करूँगी। बात का बात तो बाकी आप लोग हो ही सही सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। आप सोच रहे हो कि मैं बाहर क्या कर रही हूँ, तो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा बोर फील हो रही थी, कोई काम नहीं था करने को, तो मैं बाहर आके बैठ गई थोड़े खुले हवा में। तो यहाँ आप देख सकते हो मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके आ चुकी हूँ। दो रोटी लेके आई हूँ बटर के साथ, उसके साथ आप देख सकते हो सब्जी है, सब्जी में गोभी एंड आलू की सब्जी है। एंड बहुत सारा सेव भी मैंने ले लिया है सुबह सुबह, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी तो मैं कल रात को डिनर नहीं कर पाई थी, तो इसीलिए मुझे सुबह सुबह ही भूख लग गई थी। तो बाबू को स्कूल 9 बजे तक दे के आके मैं अभी 9:15 तक हो रहे होंगे, अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ, सब मिलके नाश्ता कर लेते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा खा लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से बातें करूँगी कि मेरा कल क्या हो गया था जो मैं अपना ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई। और अगर आपको ये आलू गोभी की रेसिपी जानना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं अपने आने वाले ब्लॉग्स में ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 1:15, यस अभी 1:15 से 20 मिनट अभी आराम से है। तो मैं सुबह का नाश्ता खाना के बाद, बहुत ही ज़्यादा मेरा अभी तबीयत ख़राब है, जैसे कि आपको मेरा फेस देख के लग ही रहा होगा। एंड बैकग्राउंड में अगर आप लोगों को बाबू की नॉइज़ आ रही है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिए, वो अभी स्कूल से आया है, मैं उसको लेके आई हूँ। एंड थोड़ा उसका मस्ती चल रहा है एंड थोड़ा सा परमल खा रहा है, उसको खाने देते हैं, थोड़ा इन्जॉय करने देते हैं। स्कूल से आने के बाद बच्चों को थोड़ा टाइम दे देना चाहिए थोड़ा मस्ती करने के लिए, ताकि उनका माइंड भी फ्रेश हो सके। जैसे कि हम लोग जब स्कूल से आते थे ना, खुद को क्या समझने लग जाते थे, जैसे हम लोग जंग जीत के आए हैं। एंड बहुत ही आराम से बहुत देर तक हम लोग रिलैक्स करते थे, तो शायद ऐसे ही बच्चों को देना चाहिए था। तब तो हम सोचते थे कि ऐसा कौन करता है भाई, लेकिन अभी हम सोचते कि हाँ ऐसा करना भी चाहिए था। तो वो सब बातें रहने देते हैं, ऐसे बहुत सारी बातें है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, बट ऐसे मौका नहीं मिलता है आप लोगों के साथ खुल के बैठ के आराम से बातें करने का। बट जल्दी ऐसा कोई ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, जिसमें मैं आराम से बैठ के आप लोगों के साथ बहुत देर तक बातें करती रहूँ, मेरे स्कूल डेज़ के बारे में, कॉलेज डेज़ के बारे में, हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। तो अभी तो बहुत ही ज़्यादा बकबक मैं शायद आप लोगों के साथ कर रही हूँ। एंड सच बात बताऊँ तो अभी ऑलमोस्ट मेरा सारा घर का काम हो चुका है, झाड़ू पोछा सब कुछ ऑलमोस्ट हो चुका है। तो मैं अभी ये सब को
कोई टेंशन नहीं पाल रही हूँ, आराम से थोड़ी आधा पौने घंटे के बाद बाबू को थोड़ा नहला दूंगी, फ्रेश करा दूंगी, उसके बाद हम लोग करने वाले हैं लंच। लंच में क्या खाने वाली हूँ मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी, बट उसके पहले मैं रेसिपी भी आप लोगों के साथ एक शेयर करूँगी, बहुत ही हेल्दी खिचड़ी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यस, आज लंच में खिचड़ी बनाने जा रही हूँ, तो अभी मैंने लंच की तैयारी बिल्कुल नहीं की है, बट जब भी तैयारी करूँगी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। ये हेल्दी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चे को भी खिला सकते हो एंड आप खुद भी खा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एंड फीलिंग खिचड़ी होती है। आप लोगों को पता ही है खिचड़ी तो सबके फेवरेट होता है, गर्मा गर्म गर्मा गर्म खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग भी लगती है, तो सोचा खिचड़ी आज सिंपली बना दूँ। आज मेरा थोड़ा तबीयत भी ख़राब है, तो मैं सब्जी बनाने की मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, अलग से चावल बनाने की मूड में भी नहीं हूँ, इसलिए दोनों को मिक्स करके कुछ बनाने की सोच रही हूँ। तो चलिए मैं करती हूँ। बाबू क्या कर रहे हो, क्यों खेल रहे हो पानी के साथ? तो मैं उधर देख रही थी क्योंकि ना बहुत सारे कपड़े बाकी है मेरे फोल्ड करने को, कपड़े सूख तो गए हैं लेकिन फोल्ड करने में मुझे बहुत आलस आती है, पता नहीं क्यों। तो चलिए मैं कुछ काम की शुरुआत कर लेते हैं। एंड मैंने आप लोगों के साथ मेरा क्लीनिंग रूटीन शेयर नहीं किया, क्योंकि हर वीडियो में मैं अपने क्लीनिंग रूटीन शेयर करूँ शायद आप लोगों को भी पसंद ना आए, इसलिए मैंने शेयर नहीं किया, बट कोशिश करूंगी थोड़ी थोड़ी क्लिक्स आप लोगों के साथ शेयर करने की कि मैं दिन भर में क्या करती हूँ। डेली ब्लॉग्स मतलब यही होता है ना कि मैं पूरे दिन भर में क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, ये सब आप लोगों के साथ शेयर करूँ, सुख दुख शेयर करूँ, क्या होता है मेरे साथ, क्या अच्छा क्या बुरा, हर चीज़ शेयर करना यही ब्लॉग होता है ना, तो यही करने की कोशिश करूँगी। बट थोड़ा क्वालिटी अगर अच्छा ना हो तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, बट कंटेंट में ध्यान रखिएगा कि मेरा कंटेंट आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो चलिए थोड़ा फोल्डिंग का काम कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए हैं ऐसे पड़े हुए हैं, दिखने में भी ख़राब लग रहा है, और कोई आ जाएगा तो सोचेगा कि ये लड़की करती क्या है घर में। तो चलिए थोड़ा फोल्डिंग का काम कर लेते हैं। काम करने से पहले मुझे एक चीज़ मिला है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, बट उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, ये कोई मतलब ऐसे ही टाइम पास के लिए हम लोग खा रहे हैं, ये कोई अलग से कोई मतलब नेगेटिव वे में मत लीजिए, थोड़ा टाइम पास करने के लिए ही खा रहे हैं। तो बाबू को ना ये वाला जो चिप्स है ये खाऊंगा मैं, ये वाला जो चिप्स है ना वो बाबू को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ कि ये मतलब कैसा है। जस्ट आप लोगों को ऐसे ही जस्ट शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हर चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, तो ये भी शेयर करना मुझे अच्छा लगेगा। एंड आप लोग जस्ट ऐसे देखना है आप लोगों को, देख लो, इसके बारे में कमेंट ना ही करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये जस्ट हम लोग टाइम पास के लिए ऐसे खा रहे हैं, थोड़ा बैठे हुए फ्री है, थोड़ा थोड़ा मुँह चलता रहे ऐसा अच्छा लगता है, तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो आप लोग देख ही पा रहे हैं ना, कॉन्टोर्स का 777 वाला चिप्स है, 5 रुपये का पैक आता है ये जंगल फन, देख ही पा रहे हो। एंड इसमें लिखा हुआ है फ्री गिफ्ट टॉय एंड टॉफ़ी इनसाइड, यहाँ क्या लिखा हुआ है आप बस देख लो, टॉय एंड टॉफीज इनसाइड, मतलब दोनों ही होना चाहिए ना इसमें। तो चलिए मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाती हूँ, ये पूरा सील पैक है, आप लोग देख ही पा रहे हो चारों ओर से, तो ये टोटली सील पैक है। मैं आप लोगों के सामने ही इसे ओपन करके दिखाती हूँ कि ये कितने बड़े झूठे हैं, यह टॉयज़ एंड टॉफ़ी लिखा हुआ है लेकिन इसके अंदर क्या है मुझे तो पता है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ आप लोगों के सामने ओपन करके कि ये क्लेम क्या करते हैं एंड इसके अंदर होता क्या है। मैं आप लोगों के सामने ही ओपन करके ये दिखाती हूँ, आप देख ही सकते हो पूरा सील पैक है। मम्मा टॉफी, टॉफी देखते हैं ना इसके अंदर क्या है, टॉफी है कि टॉय है। मम्मा मेरे को दो ना, एक प्लेट लेके आओ ना बेटू जल्दी से।
अब खाने में ना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। मुझे तो एक टॉफी दिख रही है ना यहाँ पे। ये बाबू लेके आ गया है हमारा प्लेट। इसमें इतने दूर पड़े चॉकलेट है, मैं खाऊं। और कोई गिफ्ट है क्या? देखा तो बेटू, नहीं तो ये दूध है। जस्ट ये एक टॉफी ही था, इसमें आप लोग देख ही पा रहे हो। तो यहाँ पे क्लेम करने की क्या ज़रूरत है भाई कि टॉयज एंड टॉफी आप क्लेम कर सकते थे, फ्री गिफ्ट टॉयज और टॉफी ऐसे स्लैश दे दो एंड के बजाय, है ना। डिस्ट्रैक्ट क्यों करना किसी को, मिसगाइड क्यों करना, जो है वो है ना। यही बस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। तो चलिए हम लोग थोड़ा चिप्स इन्जॉय कर लेते हैं एंड मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर से। तो आ चुकी हूँ मैं अपना खिचड़ी प्रिपरेशन करने एंड यहाँ पे सबसे पहले मतलब नीचे में मैंने मूंग की दाल दी है, चावल दिए, उसके बाद मैंने एक आलू को छोटे छोटे क्यूब्स में काट के उसमें ऐड कर दिया एंड फुल गोभी ऐड किया है, थोड़ा सा कश घिस के थोड़ा सा अदरक ऐड किया है एंड लास्टली मैंने उसमें हल्दी भी ऐड की थी बट उसका क्लिक डिलीट हो गया मेरे से, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया कि मैंने सिंपल तरीके से खिचड़ी बैठा दिया है होने के लिए एंड मैंने क्या क्या उसमें ऐड किया वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है एंड मुझे लगी है थोड़ी हल्की भूख तो इसलिए मैं बिस्किट खा रही हूँ, आप लोग भी खा जाओ। ये जो पिंपल है ना वो दर्द तो बिल्कुल नहीं हो रहा, बस ये जो स्पॉट है वो रह गया है, उसको थोड़ा देखना पड़ेगा कि कैसे कम हो ये दाग। जो कुछ भी लगाऊंगी वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर से। तो हमारा जो खिचड़ी है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है एंड मैं लेके भी आ चुकी हूँ, दिख ही रहा है, दिखने में ही तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा सिंपल एंड क्विक रेसिपी है। एंड मैंने गोभी की सब्ज़ी जो थी थोड़ी सी सुबह की वो मैंने ले लिया है हम दोनों के लिए, मैंने प्लेट में निकाल लिया है, ये हम दोनों के लिए थोड़ा सा कम है, कोई नहीं, मैं कुकर लेके बैठी हुई हूँ एंड साथ ही में मैंने थोड़ा सा छाछ बना दिया है मीठा एंड थोड़ा सा मिर्च डाल के छाछ बना दिया है। बाबू को दही खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो मैंने यही बना दिया, तो सोचा कि वो इजीली खा लेगा क्योंकि मैंने उसमें गोभी ऐड किया है ना तो शायद उसका टेस्ट उसको पसंद ना आए, बट छाछ के साथ उसने पूरा जो प्लेट में आप लोगों को दिख रहा उसका ऑलमोस्ट उसी ने खाया था एंड आई एम सो हैप्पी कि उसने खा लिया छाछ के साथ। एंड छाछ दही दूध ये सब बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है डाइजेशन में भी एंड प्रोटीन का एक सोर्स भी है ये, तो ज़रूर से ज़रूर आप लोगों के बच्चे को भी खिलाइए, मैं तो खिलाती हूँ, कोशिश करती हूँ खिलाने की एंड खा भी लेता है। तो चलिए लंच कर लेते हैं, उसके बाद बात करती हूँ आप लोगों से। गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड अभी शाम के बज रहे 6:30, नो सॉरी 7:45 बज चुके हैं एंड मैंने आज दियाबत्ती नहीं की क्योंकि रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है, आई होप कि समझदार कोई सारा काफ़ी होती है। तो जो दियाबत्ती का टाइम है वो थोड़ा सा टाइम मैंने थोड़ा रेस्ट करने में बिता लिया, तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि रेस्ट तो कर लिया एंड ब्लॉग को भी मैंने एंड नहीं किया था तो एंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मेरे स्किन में जो पिंपल है ना वो ना जा नहीं रहा है, क्या लगाऊँ समझ में नहीं आ रहा एंड साइड में और एक पिंपल आना शुरू हो चुका है क्योंकि दर्द हल्का हल्का हो रहा है एंड क्यों पता नहीं मेरे जो लेफ़्ट साइड है ना उसी में हमेशा पिंपल की प्रॉब्लम होती है, इस साइड बहुत ही मतलब नाक के बराबर पिंपल आती है बट दिस साइड हमेशा आ जाती है 1, 2, 3, मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आती है। मुझे मतलब मेरा स्किन थोड़ा सा इरिटेटिंग हो रहा है अभी वेदर चेंज होने के चक्कर में, तो आई थिंक समर आते आते ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट हो जाएगा एंड जो ये जो
स्पॉट्स हैं ये भी चले जाएंगे, तो इस स्पॉट्स को थोड़ा सा मैं मॉइस्चराइज्ड करके रखती हूँ क्योंकि ड्राई हो जाता है ना, थोड़ा किट किट लगता है, तो नाखून से मैं अगर खरोच दूँ ना तो ये दाग बहुत ही दिन तक मुझे मतलब मेरा पीछा करता रहेगा, तो मैं वो नहीं चाहती हूँ कि ये जो स्पॉट है वो मेरे फेस में रह जाए। ऐसे भी बहुत सारे स्पॉट्स हैं, मैं आप लोगों को क्लोजअप दिखाती हूँ। ये जो स्पॉट्स है ना, ये पिंपल के स्पॉट्स नहीं है, ये जो तिल होते हैं ना थोड़ी छोटे छोटे वाले मसाना क्या बोलते हैं वो है, वो मेरे मम्मी के स्किन में भी था, मतलब फेस में भी था एंड मेरे भी फेस में है, ये जेनेटिक है शायद, तो इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, बट थोड़ा सा मेरे स्किन को मॉइस्चराइज्ड एंड अभी इवनिंग का टाइम है तो थोड़ा सा फ्रेशन अप दिखने के लिए या थोड़ा सा अंदर से अपने स्किन को थोड़ा सा मॉइस्चराइज्ड करने के लिए मैं अभी यूज़ कर रही हूँ ये जॉय का प्योर एला फेस क्रीम। बहुत ही अमेजिंग फेस क्रीम है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया एंड मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाती हूँ इसका कितना ज़्यादा मैंने फिनिश कर दिया, जैसे कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा। यस, एंड इसकी खुशबू तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है एंड यू कांट बिलीव ये जस्ट ओनली रुपीज़ 10 का है। यस, एंड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है एंड मैं इसका बैकअप लेने की कोशिश कर रही हूँ बट मार्केट जा नहीं पा रही हूँ एंड हस्बैंड तो लाने वाले हैं नहीं, बट मुझे ही जाना पड़ेगा मार्केट लेने जाने के लिए, तो जब भी जाऊँगी मैं लेके आ जाऊँगी, बट अभी लाने जाने का कोई सीन नहीं है तो थोड़ा सा मैं इसे ही लगा देती हूँ एंड मेरे स्किन को थोड़ा सा मॉइस्चराइज्ड कर देती हूँ। आप इसे जितना भी लगा लो ना ये आपके स्किन को ग्रीसी नहीं करता, यही एक अमेजिंग थिंग है इसका जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, साथ ही साथ बहुत अफोर्डेबल एंड खुशबू भी बहुत अच्छी है इसकी एंड बेनिफिट भी इसका बहुत अच्छा है मेरे स्किन में, तो और क्या चाहिए हमें। इसे मैं अच्छी तरीके से अपने फेस में लगा लेती हूँ। मैं तो ऐसे सोचती हूँ कि समर हो या विंटर हो, ऑयली स्किन हो या आपकी ड्राई स्किन, मॉइस्चराइज रखिए अपने स्किन को तो ही आपका स्किन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लुक देगा। साथ ही साथ फेस वॉश, क्लींजर ये सब हमेशा यूज़ कीजिए ताकि आपके स्किन से इम्प्योरिटीज़ दूर रहे, बट अभी जो प्रॉब्लम है हर लेडीज़ का उसके तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, उसके लिए ही आ चुकी है पिम्पल, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अभी मेरा स्किन जो है वो ग्लोइंग लग रहा, थोड़ा अंडर आई एरिया में भी इसे मैं अप्लाई कर लेती हूँ ताकि जो अंडर आई एरिया है वो भी मेरा मॉइस्चराइज्ड रहे। एंड दैट्स ऑल, बिंदी लगा लेती हूँ, वो कभी कभार नहीं लगाती हूँ तो मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा डल लगता है, मुझे ऐसा लगता है, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ़िलहाल यही है एंड मेरा लिप्स अभी बिल्कुल ड्राई नहीं हो रहा है तो मैं इसे वैसलीन या लिप बाम लगा के इसे ज़्यादा ऑयली नहीं करना चाहती हूँ अपनी स्किन को, तो इसलिए मैं लिप बाम नहीं लगा रही हूँ एंड जस्ट यही था और कुछ नहीं। एंड ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है एंड मैं लेंदी ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए आज के ब्लॉग को जो मैंने कल स्टार्ट किया था वो आज मैं एंड कर रही हूँ अभी शाम के 7 बजे। शाम के 7 बजे एंड कर रही हूँ। आई होप कि ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो, कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हो कोई वीडियो रिक्वेस्ट है सजेशन वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं एंड अमेजिंग और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे डेली अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, रेड सब्सक्राइब बटन प्रेस करके साथ ही साथ पास के बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑप्शन रखिएगा ऑल ताकि हर 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 वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल पाए आपको। तो चलिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में एक नए दिन के साथ, तब तक ले बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।